देख सकते हैं। गिर गया गाइस, क्या बोलू मैं, ये आया था 150 का। बहुत सस्ता है और क्यूट सा है, अच्छा है, देख सकते हैं। मैं पहनूंगी तो आपको लुक दिखाऊंगी। ये ₹30 का है ब्लॉग, तो मैं अभी ब्लॉग में देखूंगी ये इयररिंग मेरे ऊपर कैसा लगा। अरे यार पास में तो शीशा है, देख सकते हो। हाँ सच्ची में गाइस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सबाना ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और हो चुकी हूँ मैं रेडी, आप लोग देख सकते हैं। आज मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और क्या, और कुछ सुनना है और क्या। सो मैं बता देती हूँ आज का ब्लॉग मेरा क्या होने वाला है। अभी हो रही है रात, मैं पूरा दिन ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी। सिम्बा का तबीयत ठीक नहीं है, उसे माता जो होता है वो आया हुआ है, तो मैं पूरा दिन कहीं गई नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई। सो आज मैं अपने इयररिंग्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, और क्या बोलते हैं, मेरे पास जितने इयररिंग्स है वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही हूँ, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप अपने इयररिंग्स का कलेक्शन दिखाइए, तो मैं सोची आज दिखा देती हूँ। मौका भी है, दस्तूर भी है, और आज मैं कहीं गई नहीं तो मैं सोची दिखा देती हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखना क्या क्या कलेक्शन है। मैं सब कुछ दिखाऊंगी, कहाँ से ली हूँ, कितने में ली हूँ, प्राइस भी बताऊंगी मैं, जो भी ये दिखाती हूँ जितना हो सकेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे इयररिंग की कलेक्शन, देखिए आप लोग, ठीक है। और बस मिलती हूँ मैं सेटअप के साथ। तो गाइस चलिए अब कलेक्शन दिखाना मैं शुरू करती हूँ। मैं बैठ चुकी हूँ, देख सकते हैं बेड पे, और चलिए दिखाती हूँ मैं इयररिंग के कलेक्शन। मैं नंबर वन नंबर टू नहीं बोलने वाली, जो जो मेरे पास कलेक्शन है मैं ये काउंट नहीं कर रही हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को जितना टाइम देखूंगी, ठीक है, कम टाइम में। तो चलिए बने रहिए। सो गाइस आप लोगों ने देखा, मैं मतलब स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, नंबर वन दिखा देती हूँ मैं। नंबर वन मेरा फेवरेट जो है मैं दिखाती हूँ। मेरा फेवरेट आजकल ये झुमके चल रही है, सो मैंने ये कोलकाता बेहाला, अभी मैं आसनसोल में हूँ, कोलकाता बेहाला से ली थी मैं, ये आया था देख सकते हैं। गिर गया गाइस, क्या बोलूँ मैं, ये आया था 150 का, तो कैसा है कमेंट करके बताना। एक ये है मेरे पास, और नीचे का नहीं लेना, और है दूसरा देख सकते हैं, ये सेकंड है जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ शॉर्ट्स में भी और वीडियोस में भी। तो ये नंबर दो है, ये आए 100 रुपये का, ये मैंने लिया था न्यू मार्केट से और मेरी फेवरेट है। सब फेवरेट ही कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं, और अब मैं दिखाने वाली हूँ तीसरा वाला जो है थर्ड मेरे पास, ये है, ये आया है 150 का, देख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर, ये मैं कभी पहनी नहीं हूँ, ले के रखी हुई हूँ, मैं पहनने वाली हूँ बहुत जल्द। और है ये, मैं आसनसोल से ली थी गाइस, जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो भी 150 का, ये भी 150 का है देख सकते हैं। ये मैंने लिया है कोलकाता न्यू मार्केट से, बहुत अच्छी कलेक्शन है ये भी, और हर ड्रेस में चलता है, मल्टी कलर टाइप, मतलब मल्टी क्या पता नहीं क्या बोलते पर अच्छा लगता है। तो ये है न्यू मार्केट का कलेक्शन, और दिखा रही हूँ सेम, ये भी एक है मेरे पास देख सकते हैं, ये वाला भी बहुत सुंदर है, और ये मैं भी शॉर्ट्स में पहनी हूँ, वीडियोस में भी पहनी हूँ याद नहीं मुझे, न्यू है बिल्कुल, ज़्यादा नहीं पहनी हूँ। देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर है ना, देख सकते हैं, ये वाला पहन के मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगी, देख सकते हैं। ये भी 150 का है, सेम है देख सकते हैं, सेम मटेरियल का है और सेम कलर का भी है, डिज़ाइन अलग है बस। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हैं बहुत है मेरे पास इयररिंग्स, मुझे इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। ये है, ये इयररिंग्स नहीं है, इसके साथ मांग टीका भी, पर मैं इसका मांग टीका यूज़ नहीं करती हूँ। ये भी मैं बहुत बार पहनी हूँ, आप देखे होगे ब्लॉग में, ये भी मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा कलर है। ये भी मैं ली थी, मतलब 200 ना 250 का जोड़ा ली थी मैं, मतलब मांग टीका के साथ, देख सकते हैं ये भी बहुत सुंदर लगते मेरे ऊपर, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये आसनसोल से ली थी मैं, ये मेरे भाई की शादी में हल्दी में पहनने के लिए मैं ली थी, देख सकते हैं, तो अभी तक वैसे की वैसे ये लग रहा होगा आपको ऐसा, लेकिन बहुत सुंदर लगता है लाइटिंग में। ये है 250 का, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको, ये भी ज़्यादा नहीं पहनी हूँ मैं, एक दो बार ही पहनी हूँ ब्लॉग में, पहनी होंगी शायद शायद ही, ठीक है। ये है 150 का, ये न्यू मार्केट से ली हूँ मैं, ये नॉर्मल है, आप लोग को भी मिल जाएगी, हर जगह भी चला हुआ है, कलर में, मल्टी कलर में, प्लेन में, पूरा रेट भी मोती आते हैं। न्यू मार्केट धर्मतला कोलकाता से ली थी मैं 150 में, और दिखा देती हूँ मैं, ये मैं आपको बहुत पुराने इयररिंग्स दिखा रही, ये वाला जो है
इयररिंग्स पर अभी भी वैसे के वैसे देख सकते हैं। ये रामलीला मूवी जब निकली थी गाइस तब की इयररिंग है ये, 5 साल तो हो ही गया होगा कम से कम, 4-5 साल पहले की इयररिंग है और बिल्कुल न्यू और तरोताजा और सुंदर अभी भी मैं पहनती हूँ। अपनी एनिवर्सरी पे मैंने पहना था तो वही लुक आ रहा था जो पहले आता था इस इयररिंग का, बहुत ही सुंदर। और ये मैं कितने में लूंगा सच्ची बोली ऑनेस्टली मैं भूल चुकी हूँ, पर बहुत ही अच्छी इयररिंग है मेरी, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ तो अच्छा है अभी भी। और ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, ये झुमका भी मेरी फेवरेट कलेक्शन दिखा रही हूँ गाइस, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ये झुमका देख सकते हैं, ये मैंने अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, अभी कुछ पहले ही, कुछ दिनों पहले ही खरीदी हूँ, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये मैं 150 का ली हूँ, मैं देख सकते हैं, ये बेहाला मार्केट से ली हूँ मैं, बेहाला बाजार से मैं जहाँ रहती हूँ। ये बहुत सुंदर, ये हर साड़ी में सूट में सभी में चलते हैं, बहुत मस्त लगता है, लुक बहुत अच्छा देता है ये। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये भी, ये देख सकते हैं गाइस, ये भी न्यू मार्केट का झुमका है, ये भी 150 नहीं सॉरी 100 का है ये, और ये बहुत चला हुआ है अभी, ये पुराने हो गए हैं, मतलब सभी के पास होंगे शायद कलेक्शन। ये 100 में मैं ली थी न्यू मार्केट से, देख सकते हैं ये पहनी नहीं हूँ मैं, ज़्यादा पहनी नहीं हूँ, पहले पहनी थी ब्लॉगिंग से पहले पहनती थी, देख सकते हैं कितना सुंदर प्यारा सा क्यूट सा झुमका है ये। और मैं दिखा देती हूँ एक और झुमकी है ये मैं बड़ा बाजार से खरीदी थी, कितने में खरीदी पता नहीं, मैं बहुत सारे इयररिंग एक साथ खरीदी थी रफ यूज के लिए, ये भी साथ में खरीदी इसके सेम, देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी झुमकी है। और यहाँ बाबू गाड़ी चला रहा है मानस, तो अगर आप लोग डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए सॉरी, देख सकते हैं बहुत क्यूट है। ये कितने मिली मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी सॉरी, ज़्यादा दाम का नहीं है, ये भी 70-80 के होंगे क्योंकि बड़ा बाजार से ली थी मैं गाइस, ठीक है। और ये दिखा देती हूँ मैं, ये भी शायद 100 का है, कान का है ये ऐसे ही, इसमें शीशा का वर्क है तो अच्छे लगते हैं, देखिए छोटा सा है, कभी नॉर्मल कहीं पार्टी वार्टी में गए, कभी भी कुछ है हल्दी वगैरह तो पहन सकते हैं किसी के साथ, गोल्डन है सबके साथ जाती, मोती वाला वर्क है, देख सकते हैं बहुत सुंदर है प्यारा है। और मेरे पास क्या है दिखा देती हूँ, ये एकदम छुटकू सा झुमका है, ये मैं बहुत बार ब्लॉग में पहनी हूँ, मेरे फेवरेट्स है, कभी भी मैं डाल लेती हूँ, देख सकते हैं कितना सुंदर है, छोटा सा लाइट वेट है। तो ये भी मैं बड़ा बाजार से ली थी जब वो वाले रेड वाले झुमका जो दिखाई और ये दिखाई, ये सब साथ में ली थी मैं, इसका मैं 3 कलर ली थी, एक वाइट, एक स्काई ब्लू और एक ब्लैक, तो मैं सबको दे चुकी हूँ, एक मैं घर में बांटी हूँ, एक मैं रखी हूँ, दो दे दी हूँ मैं दीदी वगैरह। अब लास्ट है ये, लास्ट है ये, मैं दिखा देती हूँ, ये भी बहुत प्यारा कलर है, देख सकते हैं झुमके का, तो ये मेरा नहीं है, मेरी मतलब क्या बोलता है भाई की वाइफ का है, तो मैं ले ली, मुझे पसंद आया, ये मैं पहनूंगी किसी दिन, आप लोग देखना, देख सकते हैं ये ज़्यादा का नहीं है, 30 रुपए का है, आसनसोल मार्केट से लिए है, बहुत सस्ता है और क्यूट सा है, अच्छा है, देख सकते हैं मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ये 30 रुपीज का है, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत सुंदर। और ये जो मैं पहनी हूँ इसका भी मुझे दाम पता नहीं है, ये भी देख सकते हैं बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर, ये मैं कभी पहनी नहीं हूँ, आज पहनी हूँ साड़ी के साथ, कैसा लग रहा है कमेंट करना ज़रूर। और आपको मैं एक इयररिंग पहन के दिखाती हूँ मैं, तो वेट, इयररिंग पहन के दिखाना चाहती हूँ जो मैं कभी पहनी नहीं हूँ, आज पहली बार पहनूंगी आपके सामने, बिल्कुल न्यू है, सो मैं सोची आप लोगों के सामने ही पहनूँ, और कैसा लगेगा कमेंट करके बताना आप लोगों को, मुझ पर कैसा लगता है बताना, ये मैं कभी पहनी नहीं हूँ तो आज मैं पहन रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरे ऊपर कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। मुझे बड़े इयररिंग्स बहुत पसंद है गाइस, सच्ची बोल रही हूँ मैं बचपन से, मतलब छोटी थी तभी से मैं बड़े बड़े कान का, ये देखिएगा ये मेरा, ये भी बड़ा हो गया है बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के, मुझे मेरी मम्मी बहुत बोलती थी हल्का पहन हल्का पहन, पर नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब क्या करे, कान का अगर ये होगा तो साइड में मैं छेदा करवा लूँगी। तो देख सकते कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना मेरे ऊपर, मैं देख नहीं पा रही, मैं ब्लॉग में देखूंगी, ये मेरा भाई शूट कर रहा है अभी ब्लॉग, तो मैं अभी ब्लॉग में देखूंगी ये इयररिंग मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। अरे यार पास में तो शीशा है, देख सकते हो, हाँ सच्ची में गाइस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो बगल में खांसी हो गया किसी को। अभी सीजन ऐसा चल रहा है, सब अपने अपने घर में सेफ रहिए, सभी का तबीयत खराब हो रहा है, देख सकते कैसा है कमेंट करके बताना, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला भी इयररिंग मेरे ऊपर, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ले,
कलेक्शन ले, अगर मेरे कलेक्शन आपको पसंद आया है तो प्लीज ले लेना, और बताना अगर चाहिए तो मैं लेके दूंगी, आप लोगों को गिफ्ट कर दूंगी, देख सकते हैं। सो मेरा कलेक्शन कैसा लगा गाइस तो बताना, और बस अब मैं भाई से फोन ले लेती हूँ, वीडियो को एंड। सो गाइस देखा आपने मेरे पास कैसे कैसे कलेक्शन है, मैं ऐसे ही इयररिंग पसंद करती हूँ, और ये वाला तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है सच्ची में, मेरा चॉइस अच्छा। ये इयररिंग बहुत मार्केट में चला हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े इयररिंग सबको पसंद आते हैं, तो और प्राइस भी ठीक है, आप लोग ले पाओगे, मतलब सभी ले पाएंगे, तो 150 का है तो सभी कैरी कर पाएंगे, तो मैंने भी लिया है, मुझे ज़्यादा ज़्यादा दामी पसंद नहीं है, 100-150 का ही मैं ज़्यादा कैरी करती हूँ, 200 का इयररिंग मैं 200 का कभी नहीं लेती, सच्ची बता रही हूँ ऑनेस्टली। अगर टीका के साथ था तो इसलिए ले ली थी, वरना 150 और 100 के अंदर ही लेती हूँ मैं, उससे कम का होगा तो लूँगी, 200 के ऊपर मैं जाती नहीं हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, आपको सच बता रही हूँ। और मैं कैसी लग रही ब्लैक साड़ी में ये भी बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है, देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, और मेरे इयररिंग कलेक्शन कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी कमेंट में जूता चप्पल मारना है कोई भी कुछ भी तो उठा के मारो, पर मारो ज़रूर, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, और बहुत सारा प्यार दे, और अपने अपने घर में सब सुरक्षित रहिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। दुआ करो मेरी तबीयत ठीक रहे, जो मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अपने अपने घर में सब सुरक्षित रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाना, बाय बाय, लव यू ऑल।